मेरा पार्सल आया 10 बजे के करीब सुबह सुबह। मैंने बनाया ब्लॉग क्योंकि ब्लॉग भी इम्पोर्टेंट होता है। ये अमेजोन से मैंने जो मंगाया, बाहर चल के इसका टेस्टिंग करेंगे कि ये कैसा है माइक। देखते हैं माइक ठीक है या नहीं, आवाज फटा हुआ तो नहीं आ रहा है। देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं नॉइस कैंसिलेशन चेक करने के लिए ये क्राउड में। मैं सोया हुआ था तो मेरा पार्सल आया 10 बजे के करीब सुबह सुबह, तो जाके मैंने अपना पार्सल को रिसीव किया माइक को, और वहाँ पे उसका मैंने बनाया ब्लॉग क्योंकि ब्लॉग भी इम्पोर्टेंट होता है। आई एम अ ब्लॉगर तो भाई ब्लॉग तो बनाना पड़ेगा। तो गाइज मैंने जो आपको माइक दिखाया था ये अमेजोन से मैंने जो मंगाया, ये माइक है आपका वुक इस कंपनी का है। तो पहले इसका हम क्या करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर इसको चेक करेंगे, इसका टेस्ट करेंगे। तो अभी तो मैं रूम में हूँ, बाहर चल के इसका टेस्टिंग करेंगे कि ये कैसा है माइक। तो बेसिकली इसमें ये दिया हुआ है एक कनेक्शन के लिए, ट्रांसमीटर है ये जो कि मोबाइल में ही लगेगा, मोबाइल के लिए है ये, सी टाइप है। और एक और दिया हुआ है पोर्ट, इसको कर सकते हैं आप आईफोन के लिए। तो इसको रखते हैं साइड में। एंड इसमें एक फोम दिया हुआ है और ये है आपके दो माइक है, और इसमें क्लिक भी दिया हुआ है, वो तो ठीक है इसका हो गया। एंड एक चार्जिंग के लिए दिया हुआ है, यूएसबी सी टाइप है, और एक गाइड के लिए दिया हुआ है, वारंटी नहीं दिया हुआ है भाई इसमें। और इसका प्राइस है 2000, और 2000 में देखते हैं ये कैसा है। तो इसको रखते हैं साइड में और अब इस माइक का टेस्ट करते हैं। अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ बोया का जो माइक है मेरा, वायरलेस नहीं है ये वायर वाला माइक है, उससे चेक कर रहे हैं। और अभी मैं इसका हम लोग चलते हैं टेस्टिंग करते हैं। तो अभी मैं लगाता हूँ उसमें, ऑन होते ये कनेक्ट हो गया क्योंकि मैंने उसमें लगा दिया है ट्रांसमीटर, इसका कनेक्ट हो गया ऑन करते ही। तो अभी चेक करते हैं कैसा है। अब तो ऑन हो चुका है, देखते हैं माइक ठीक है या नहीं, आवाज़ फटा हुआ तो नहीं आ रहा है, क्लियर साउंड आ रहा है, ओरिजिनल साउंड आ रहा है या नहीं। और 2000 का माइक है तो क्या ही देंगे, लेकिन मेरे ख्याल से सही देना चाहिए भाई, 2000 भी कम नहीं होता है, नॉइज कैंसिलेशन होना चाहिए। और इसमें वॉल्यूम का बस इसमें एक ही दिया हुआ है, साउंड को आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं बस। तो इसको कम करके देखते हैं। तो अभी मैं कम कर चुका हूँ, अभी कम पे ही है, अब इसको बढ़ा के देखते हैं कि क्या आ रहा है। अभी तो मुझे पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं वीडियो देखूंगा तब मुझे समझ में आएगा, और अगर सही रहा तो मैं रखूंगा, नहीं तो इसको मैं रिटर्न कर दूंगा। ब्लॉगिंग के लिए मैंने लिया है तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं, आप लोग भी तो सोचते रहते हैं ना भाई कि बेस्ट माइक क्या है, अगर सही नहीं रहा तो मैं दूसरा माइक लाऊंगा, तो उसका भी मैं दिखाऊंगा। इस वाले माइक को भी, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं, दोनों सेम ही है। हो चुका है ये ऑन, अब इसका देखते हैं कि ये कैसा है, इसका साउंड वॉइस क्लियर कैसा आ रहा है, सेम है या फिर डिफरेंट है, क्या है कैसा है। और एक बार इसका पावर बटन करने पे ये आ जा रहा है ओपन, यानी ये क्या है, मतलब ऐसा लग रहा है कि साथ में मैच कर रहा है, या इको हो सकता है कि इससे ऑन हो जाए। तो गाइस ये मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है, आ चुके अपने नॉर्मल माइक पे, मैं जिस माइक से बनाता हूँ बोया वायर वाला माइक जो है, अब इससे मैं बनाता हूँ। और इसका ये क्या कहते हैं साउंड था, तो अब इसको बाहर चलते हैं और वहाँ चल के चेक करते हैं कि बाहर में कैसा इसका साउंड आ रहा है, कैसा आ रहा है, नॉइज़ कैंसिलेशन है या फिर नहीं है, क्या है कैसा है, सब पता चलेगा आपके साथ साथ मुझे भी। तो चलिए फिर नहीं चलते हैं बाहर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं नॉइज़ कैंसिलेशन चेक करने के लिए ये क्राउड में, पूरा पीछे देखिएगा आप मेरे, तो गाड़ी वाड़ी चल रहा है, तो हम लोग इसको चेक करेंगे कि देखते हैं कैसा है इसका क्राउड, जाता है या फिर नहीं जाता है, मतलब क्राउड नहीं सॉरी नॉइज़ कैंसिलेशन इसका करता है या नहीं करता है। मुझे तो बहुत सारी आवाज़ आ रही है, अभी वीडियो में पता चलेगा, आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। और इसका अभी डिस्टेंस भी देख लेते हैं कितना है, कितना मीटर तक जाता है, डिस्टेंस चेक करते हैं हम लोग कितना मीटर तक जा रहा है। मेरे ख्याल से 20 मीटर ही इसका जाएगा, देखते हैं क्या जाता है या नहीं इतना डिस्टेंस तक। कहाँ तक जाने के बाद वॉइस कटने लगता है, यहाँ पे तो सौ में पता चलेगा ना कि
तो ज़्यादा देर में कट जाएगा ऐसा लग रहा है। तो आ चुके हैं मैं आपके पास, देखिए ये है नॉइज़ कैंसिलेशन, पता नहीं होता है कि नहीं, देखना यही है वीडियो में। और यहीं पर होता है टेस्टिंग ख़त्म। माइक की टेस्टिंग करने के बाद मैं गया घर, वहाँ पे मैंने वीडियो चला के देखा तो मुझे इसका ऑडियो क्वालिटी पसंद नहीं है। नॉइज़ कैंसिलेशन तो था लेकिन ऑडियो इसका सही नहीं आ रहा था, अजीब सा आ रहा था, इसलिए मैंने इसको कर दिया रिटर्न। और आप भी इसको ना लीजिएगा।